कि वो कितने सक्षम है। हमने केरला मॉडल देखा, भीलवाड़ा मॉडल देखा और अब छत्तीसगढ़ मॉडल की भी बात हो रही है क्योंकि वहां के रिकवरी रेट की बहुत ज्यादा लोग बातें कर रहे हैं। तो ये संभव कैसे हो पाया है मिस्टर देव? अभी तक जो बात आ रही है, ये तो सौभाग्य को बहुत बड़ा हिस्सा देना चाहिए यहाँ की स्थिति के लिए, क्योंकि और ज्यादा आंकड़े हो सकते थे, चिंताजनक आंकड़े हो सकते थे, लेकिन हम लोग लगी रहे हैं कि 18 तक ही अभी सीमित है और उसमें भी 9 लोग निजामुद्दीन कनेक्शन के 9 लोग हैं। जो हम लोगों ने काम किया वो थोड़ा जल्दी चालू करने का काम किया, 27 जनवरी से ही, 26 जनवरी की परेड, उसके पहले 4-5 दिन प्रशासन उसी में लगता है तैयारियों में। तो जैसे ही उससे आगे हम बढ़े तो हर जिले में रैपिड रिस्पांस टीम खड़ी की गई कलेक्टर के अध्यक्षता में, ताकि इंटर डिपार्टमेंटल अलग अलग विभागों की समन्वय करके वहां पर काम हो सके। और ये सिलसिला जो चला उसको हम लोग आगे बढ़ाते गए और प्रोटोकॉल जो आते गए, पहले प्रोटोकॉल आया कि एक देश के ही लोगों को देखना है और वो भी संक्रमित लोगों को देखना है। हम लोगों ने प्रयास किया कि प्रोटोकॉल दिल्ली से जो भी मिलता गया, फील्ड में बाहर से आने वाले लोगों को एयरपोर्ट से ही स्क्रीन करके और जल्दी से जल्दी उनके तक हम पहुंच सके। एक संवाद जो लोगों से बना उसमें कई लोग अपने से आगे आए, बच्चियां जो, बल्कि पहली बच्ची जो पॉजिटिव पाई गई थी यूके से आई थी और उन्होंने आगे अपने आगे वॉलंटियर करके बोला कि हमारे को टेस्ट कर लीजिए, थोड़ी हमको सर्दी खांसी है, वरना प्रोटोकॉल में यूके नहीं था तब तक टेस्टिंग के प्रोटोकॉल में। तो ये जो संवाद लोगों से बना और हम जल्दी लोगों तक पहुंच पाए, जब तक कि कोरोना के संक्रमण की बीमारी उनको ज्यादा नहीं पकड़ ली थी, उनकी तबीयत ज्यादा नहीं खराब हुई थी, अभी तक जितने केसेस हैं उनमें यही हम लोगों को देखने को मिला कि अर्ली जल्दी हम लोगों तक पहुंच सके हैं। और वायरल काउंट गिरता गया, जो भी ट्रीटमेंट उनको एम्स में मिल रहा है, ये दोनों का सहयोग ऐसा आया कि डिस्चार्ज हो रहे हैं। मिस्टर देव, लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वो एक बैकवर्ड इलाका माना जाता है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बहुत पर्याप्त मात्रा में बहुत ज्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नजर नहीं आता। तो ऐसे में आपने ये चीजें कैसे संभव की, जहां तक वेंटिलेटर्स का सवाल है, आईसीयू बेड्स का सवाल है, पीपीईज का सवाल है, मास्क, सैनिटाइजर्स, इन सब की उपलब्धि कैसे संभव हो पाई छत्तीसगढ़ में? कल के लिए हमारे पास कमी है, आज के लिए क्योंकि जैसा अभी बात हुई कि 18 ही केस आए हैं, तो स्वाभाविक है कि 18 केस और करीब 3000 हमने टेस्टिंग की है, तो इसमें दिक्कत नहीं थी। शुरुआत हमने अपनी तरफ से अगर जल्दी की तो हम भारत सरकार से भी संवाद करके, आईसीएमआर से संवाद करके बराबर बात रखते रहे कि टेस्टिंग की फैसिलिटी बढ़ाइए। जहां हम पहले 10, 15, 20, 25 टेस्टिंग कर रहे थे, आज कम से कम 350 टेस्ट हम डेली, 350-400 टेस्ट डेली कर पा रहे हैं। जो पद्धति है टेस्टिंग की, ये आरटीपीसीआर पद्धति जिसमें आरएनए और डीएनए को पृथक करके और उसकी जांच करके जाना जाता है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो फिर डीएनए सैंपलिंग करके, डीएनए टेस्टिंग करके फाइनल होता है कि हाँ आप पॉजिटिव हैं, ये सारी प्रक्रिया बहुत धीमी चल रही थी। राष्ट्रीय स्तर पे आप याद करेंगे तो एक ही सेंटर था पूरे देश में, पूरे देश में एक सेंटर था। आज बोलते बोलते, बात करते करते हमारे प्रदेश में भी 4 सेंटर हुए, और अब बात को आगे ले जाते कल ही भारत सरकार की एक चिट्ठी आई है जिसमें उन्होंने आईसीएमआर के जगह मेडिकल कॉलेजेस को चिन्हांकित कर दिया है कि आप सभी मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट या सरकारी, वहां जाके टेस्टिंग फैसिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं उसमें आप काम करें। तो ये आज हम कोरोना के संक्रमण के कगार पे हैं और टेस्टिंग फैसिलिटी चालू करने की बात कर रहे हैं। ये एक कारण हो सकता है कि आंकड़े कम दिख रहे हो क्योंकि टेस्टिंग भी कम हुई। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में, क्योंकि अब जो टेस्टिंग का दायरा है उसे काफी बढ़ा दिया गया है, पहले सिर्फ जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स थे या जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी उन्हें टेस्ट किया जा रहा था, फिर निमोनिया और रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे थे उन लोगों की टेस्टिंग की गई, अब ये कहा जा रहा है कि सिम्टोमैटिकली जिसको भी कॉमन फ्लू, कोल्ड, जुकाम, सर्दी या बुखार होता है उनकी टेस्टिंग हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि जो आने वाले दिन है उनमें जो नंबर ऑफ
इन्फेक्टेड केसेस हैं उसकी तादाद अब काफी बढ़ती हुई नजर आएगी, तो एक नई चुनौती होगी राज्य सरकार के लिए भी। सही कहना है आपका। और एक हिस्सा सिक्के का है सिम्प्टोमेटिक केसेस, ये तो हमको पता चल जाएगा। एक ट्रैवल हिस्ट्री हमने चालू किया, ट्रैवल हिस्ट्री से सिम्टम्स वाले ट्रैवल करने वालों को हमने टच किया, उनसे फिर अगर उनके परिवार में कहीं संक्रमण तो नहीं जा रहा है, स्टेज वन स्टेज टू हम उसमें सीमित रहे, यहां तक अब और आगे जाके कि सिम्टम्स ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है, अगर आप में वो कुछ लक्षण है, लंग्स की बीमारी के लक्षण है, हार्ट का है, आपको डायबिटीज है, कोई भी ऐसी कोमॉर्बिडिटी जो हो सकती है वैसे लक्षण है, तो हम आपके पास पहुंच के आपका टेस्ट करना चाहेंगे। इससे कहीं बड़ी चिंता असिम्प्टोमेटिक केसेस की है कि सिम्प्टोमेटिक केसेस को तो आप शायद ट्रेस कर पाए, सर्दी जुकाम है वो आपके पास आ सकते हैं, लेकिन जिनको सिम्टम्स नहीं है ये हमारे लिए सबसे बड़ी और देश के लिए भी सबसे बड़ी चिंता वही होनी चाहिए। क्योंकि जो विशेषज्ञ है ये बताते हैं कि करीब 80% आबादी असिम्प्टोमेटिक रहेगी और वो कोरोना कैरियर्स हैं और बिना जाने बिना यानी एक तरह से उनकी कोई इसमें गलती भी नहीं होगी उस नाते, क्योंकि उनको मालूम नहीं है और वो सामान्य रूप से घूम रहे हैं और परिवार में और अपने साथियों में वो कोरोना के संक्रमण करा सकते हैं। तो असिम्प्टोमेटिक केसेस जो 80% होंगे ये हमारी सबसे बड़ी चिंता है। सिम्प्टोमेटिक को तो हम प्रयास कर रहे हैं उनके तक पहुंचने का, टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ाने का, और असिम्प्टोमेटिक केसेस में भी हम जा सके तो रैंडम सैंपलिंग, सिम्प्टोमेटिक के आगे भी रैंडम सैंपलिंग करना। हॉटस्पॉट्स हैं ये तो कॉन्सेंट्रेटेड हो गए ही, हॉटस्पॉट्स के अलावा हमारे अब जो 28 जिले हैं उनकी आबादी के अनुपात में हम रैंडम सैंपलिंग भी करेंगे कि आम लोगों में बिना संक्रमण के कोई लक्षण के क्या कोरोना वायरस का प्रभाव पहुंच चुका है। तो ये अगली चुनौती हमारे लिए। मिस्टर देव, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आया है कि अब जो प्राइवेट टेस्टिंग लैब्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मुफ्त में टेस्टिंग करनी होगी और इस पर अभी विचार विमर्श चल रहा है, छत्तीसगढ़ में इसको लेकर क्या रिएक्शन है इस समय? इसमें हमारे यहाँ जो प्राइवेट लैब्स हैं, एक तो उनकी स्थिति यहाँ टेस्टिंग की नहीं है, वो सैंपल ले रहे हैं और मुंबई भेजते हैं और वहां से सैंपल टेस्टिंग होके वापिस आने की है, तो अभी तक वहां चालू नहीं हो पाया है। लेकिन मान लें कि अगर सैंपल वहां भी लेंगे तो बात इस बात की केवल आएगी कि वो पैसा कौन देगा। अगर 4,500 रुपए पहले टेस्ट के लेने थे तो क्या आयुष्मान जैसी योजना के तहत या सरकार राज्य सरकार अपने से देगी या केंद्र सरकार कुछ हिस्सा देगी, राज्य सरकार कुछ हिस्सा देगी, 50-50 होगा, 70-25 होगा, 60-40 होगा, उसका कॉस्ट कौन बेयर करेगा? सुप्रीम कोर्ट का तो एक डायरेक्शन आ गया है और वो लागू हो गया, वो देश के लिए कानून बन गया। अगला जो कदम होगा केवल वो ये होगा कि इसका पैसा कौन देगा, तो वो अगर हल हो जाएगा तो वो सिस्टम में फिर बात आ जाएगी। ओके मिस्टर देव, लेकिन अगर मैं पूछूं कि केंद्र की तरफ से अगर मैं सहायता की बात करूं इसका पूरी कोरोना को लेकर जो एक बैटल चल रही है, कितनी सहायता आपको केंद्र से मिली है? हमने हाल में देखा था कि कुछ रेड्स भी पड़ी थी छत्तीसगढ़ में और एक विशेष एनवायरनमेंट हो गया था, तो अगर मैं सिर्फ कोरोना के युद्ध की बात करूं तो केंद्र से आपको कितनी सहायता मिल रही है और वो भी क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलती हुई दिख रही है? सौतेलापन तो उसमें अभी ऐसा नहीं दिख रहा है, मैं गलत भी नहीं कहना चाहूंगा, सौतेलापन तो नहीं दिख रहा है। उस समय बातें हुई, जरूर एक कड़वाहट का माहौल भी था। केंद्र सरकार से हमको डायरेक्शन का एक तो सबसे पहले सहयोग मिला। हमारी सोच में अंतर केवल इतना है कि उनका टेस्टिंग का प्रोटोकॉल बहुत कंजर्वेटिव था। वो बहुत सीमित दायरे में टेस्टिंग करना चाह रहे थे और वैश्विक स्थिति को भाप के हम लोगों को शुरू से ही लग रहा था कि इसमें हम पीछे हो रहे हैं। हम जितने ज्यादा टेस्ट करेंगे उतने ज्यादा सीमित कर पाएंगे, जो चेन तोड़ने की बात है। अब अगर असिम्प्टोमेटिक केसेस इतने ज्यादा हो गए कि 80% असिम्प्टोमेटिक होंगे, वो अपने आप में इम्यून सिस्टम डेवलप कर लेंगे, उनको पता भी नहीं होगा कि उनको कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ था और वो ठीक भी हो जाएगी। तो क्या मिस्टर देव, आप जो कह रहे हैं, क्या उससे ये मैं मानूं कि ये जो पूरी गलती थी ये केंद्र सरकार की तरफ से थी और अगर उन्होंने अपने स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स को ज्यादा स्ट्रिक्ट ज्यादा स्ट्रिंजेंट बनाया होता तो शायद इतने केसेस जो अब नजर आ रहे हैं हमारे सामने पूरे देश में वो शायद उतने केसेस नहीं सामने आते? नहीं,
उसको गलती माने या निर्णय माने, क्योंकि यूरोप के देशों ने भी यही किया, बहुत सारे देशों ने उसको नहीं माना कि इतना संक्रमण हो सकता है, टेस्टिंग या सावधानी। अमेरिका हमसे कहीं ज्यादा संसाधन वाला देश है, हम उनके नजदीक भी नहीं पहुंच पाएंगे संसाधन में, फिर भी वो बड़े पैमाने पे ग्रसित हो गए। इन परिस्थितियों में जो नीतिगत अंतर है, उसको गलती कहें या नीतिगत, वहां भी एक्सपर्ट्स बैठे हैं, मैं तो साधारण जानकार। आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि नीतिगत गलती हुई थी, या आप केयरलेसनेस बोले या इग्नोरेंस बोले, आपके हिसाब से अगर मैं आपसे एक डायरेक्ट आंसर इसका पूछूं तो आप क्या कहेंगे? टेस्टिंग ज्यादा होनी चाहिए, पहले दिन से ही टेस्टिंग प्रोटोकॉल लिबरल होना चाहिए था और खुला होना चाहिए था, इसका दायरा बड़ा होना चाहिए था। क्योंकि हमने टेस्टिंग प्रोटोकॉल सीमित रखा, तो हमने पीपीई किट्स की भी तैयारी नहीं की, हमने टेस्टिंग किट्स की भी तैयारी नहीं की। आज आके जब दबाव बढ़ रहा है, तब रैपिड टेस्टिंग किट्स के लिए अनुमति आई, ये 4 तारीख को अनुमति आई, 4 अप्रैल, तो ये 4 अप्रैल और दिसंबर के आखिरी में चाइना में पहला केस आ चुका था। तो 1 जनवरी से भी अगर हम इस सिलसिले को पकड़े तो 4 अप्रैल में दुनिया में रैपिड टेस्टिंग किट इस्तेमाल होना चालू हो गए थे, तो जरूर हमने ये निर्णय लेने में देरी की। इसको आप गलती मानिएगा तो जरूर ये गलती है कि रैपिड टेस्टिंग किट की भी अनुमति। आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला मिस्टर देव कि ये गलती जरूर हुई है केंद्र सरकार की तरफ से। अब इसे आप केयरलेसनेस कहेंगे या इग्नोरेंस, या केंद्र सरकार इतना सीरियसली इस प्रॉब्लम को भाप नहीं पाई, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि केंद्र सरकार ने शायद सोचा होगा कि सिचुएशन इतनी ज्यादा आपे से बाहर नहीं हो जाएगी? बिल्कुल, इसमें जो सोच है, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी देखेंगे तो सोच अलग अलग रही शुरू से। लोगों का ये कहना था कि ये संक्रमण आएगा तो इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा, तो जहां ठंड पड़ती है उन देशों में ज्यादा होगा, अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में भी नॉर्दर्न पोर्शन में जहां ठंड थी वहां ज्यादा हुआ, सदर्न पोर्शन में कम हुआ। तो एक व्यू ये था कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इसको प्रभावित करेगा तो हम बचे। दूसरा व्यू उसके साथ में ये आया कि यूएई में हुआ, दुबई में हुआ, वहां पर टेम्परेचर हाई है तो वहां कैसे हुआ। ये जो व्यू आ रहे थे, किसी को नहीं मालूम कि एक्चुअल बात क्या है, कोई रिसर्च अभी तक प्रमाणिक तौर पे नहीं कह सकती कि ये इसमें ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये किसी को नहीं मालूम, अनुमान पे हम चल रहे। फिर एक आया कि जहां बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया है उन देशों में हम कम लगेगा, तो हमारे देश में लगभग 100% बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल हुआ। तो उस बात को जब आगे ले जाया गया, रिसर्चर्स ने बताया कि जहां बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल हुआ है वहां 10 गुना कम संक्रमण अभी दिख रहा है, 10 गुना कम, 10 टाइम्स का फर्क है। लेकिन चाइना की बात आई, ब्राजील की बात आई कि वहां तो बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल होता है, फिर वहां कैसे हुआ। तो हम एक्चुअली अंधेरे में चल रहे हैं, बिना ठोस जानकारी के चल रहे हैं, और उसमें हमारी गलती होनी चाहिए, अर ऑन द साइड ऑफ कॉशन। लेकिन मिस्टर देव, जो एक चीज देखने में मिली है कि अभी भी टेस्टिंग को लेकर बहुत ज्यादा फोकस नहीं हुआ है अभी। हाँ, हाल में जैसा आपने कहा कि 3-4 दिन पहले ही से अभी रैपिड एंटीजन टेस्ट की जो बात हो रही है, तो अब देखना है कि ये पूरा जो प्लान है वो किस तरह से अनफोल्ड करेगा। लेकिन अभी भी जो एक बेसिक फोकस टेस्टिंग पे होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, आज भी हम सिर्फ पूरा फोकस लॉकडाउन पर है। तो आपका एक व्यू लेना चाहूंगी, आपकी राय लेना चाहूंगी कि लॉकडाउन क्या एकमात्र जरिया है इस समय संक्रमण को रोकने का आपके हिसाब से, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग राय आ रही है, अलग अलग राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स अपनी अपनी राय रख रहे हैं, और कल एक प्रधानमंत्री से एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है सारे चीफ मिनिस्टर्स की। तो आपकी समझ से लॉकडाउन इज दैट द ओनली ऑप्शन? निस्संदेह जी, एकमात्र ऑप्शन नहीं है। एक चीज क्या सत्य है कि इसकी कोई दवाई नहीं है, ये गिवन है कि हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का इस्तेमाल भी करें तो भी ये प्रमाणित नहीं है कि उससे हमको लाभ मिलेगा। ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए कि जब कोई इलाज का शक्तियां हमारे पास रास्ता नहीं है, लॉकडाउन एक जरिया है इस चेन को तोड़ने का कि संक्रमण एक से दूसरे को कम से कम जाए, लॉकडाउन उसी हद तक काम करेगा। वरना जैसे मैंने बताया कि लोगों का कहना है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ता में और मई के पहले सप्ताह में इंडिया में स्पाइक आएगा और आने वाले महीनों तक हमको कोरोना के इस जंग में हिस्सेदार बना रहना पड़ेगा, तो वैसी स्थिति में लॉकडाउन जो है वो
आखिरी रास्ता है ये, बिल्कुल नहीं। साउथ कोरिया ने नहीं किया, अमेरिका ने नहीं किया, यूके ने नहीं किया, और राज्यों ने नहीं किया, कुछ नहीं किया, जर्मनी ने नहीं किया, तो एकमात्र रास्ता है ये, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक कारगर तरीका है कि हमारे पास जब दूसरा उपाय नहीं, हमारे पास टेस्टिंग ही नहीं है, तब तक हम क्या करें, तो लॉकडाउन कर दें। लॉकडाउन तो करते हैं कि हम उसके बाद टेस्टिंग की फैसिलिटी तैयार कर लें, किट्स तैयार कर लें, उसका प्रोडक्शन कर लें। आज अमेरिका आपसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की टैबलेट्स मांग रहा है, मेरे ख्याल से तो गलत तरीके से मांगा, पर वो एक और बात है, लेकिन वो आपसे मांग रहा है, तो वो कितना तैयार है। वैसे ही हम उस तैयारी में नहीं थे, तो ये लॉकडाउन आपको समय दे रहा है केवल, ये संक्रमण से बचा लेगा ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो आपके हिसाब से क्या जो भी अब अगला डिसीजन आएगा केंद्र सरकार की तरफ से, जो भी डिसीजन प्रधानमंत्री लेते हैं, तो क्या आप इसके फेवर में हैं कि लॉकडाउन को खोला जाए, लॉकडाउन को लिफ्ट करने के बाद जो इंटर स्टेट ट्रैवल की बात कही जा रही है, मेट्रो सर्विसेज की बात कही जा रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चालू करने की बात कही जा रही है, तो क्या ये चीजें खोली जाए और साथ में हम जो टेस्टिंग का जो दायरा है उसे बढ़ाया जाए, जो नंबर ऑफ टेस्ट है उन्हें बढ़ाया जाए, क्या ये एक सोल्यूशन हो सकता है आपके हिसाब से? मैं सोचता हूँ कि टेस्टिंग की फैसिलिटी पहले बढ़ा लीजिए, फिर टोटल लॉकडाउन खोलने की तरफ जाइए। पार्शियल लॉकडाउन आप कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हॉटस्पॉट्स हैं, जहाँ ज्यादा प्रभावित हैं, जहां से केसेस नहीं आ रहे, कोई जानकारी नहीं आ रही, उसमें एक्टिविटी आप लिमिटेड चालू करवा सकते हैं। लेकिन इंटर स्टेट एकदम से खोल देना, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी गलती है। ओके, सो इंटर स्टेट ट्रैवल अभी नहीं खोलना चाहिए, ऐसा मिस्टर देव बोल रहे हैं। मिस्टर देव, आप हमारे साथ बने रहिएगा, वक्त हो चला है एक ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो मिस्टर देव से हमारी ये चर्चा जारी रहेगी और भी बहुत सारे मुद्दों से जुड़ी हुई। अभी लौट कर आती हूँ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काली ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है, यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ वक्त के निशान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका स्वराज स्पेशल में, और हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। मिस्टर देव, बहुत सारी पॉलिटिक्स भी नजर आई इस दौरान, जब हम पूरी इस कोरोना से पूरा विश्व भारत इस समय लड़ रहा है, तबलीगी जमात को लेकर जिस तरह से एक कम्युनल कलर देने की कोशिश की गई थी, वहां पर आप गलती किसकी ठहराएंगे अगर मैं आपसे पूछे तो? कम्युनल कलर कतई नहीं देना चाहिए ये सब परिस्थितियों में। जमात के लोगों से गलती हुई ऐसा आयोजन करना, इसमें कोई दो बात नहीं हो सकती, ये कोई पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। ये तो स्पष्ट है कि ऐसी परिस्थितियों में जब ये जानकारियां थी और ऐसे डायरेक्शंस भी थे कि ऐसे गैदरिंग्स हमको नहीं करने, शायद दिल्ली सरकार ने 200 समय किया था, बाद में 50 लोगों की जमात नहीं होनी चाहिए, कहीं ऐसी व्यवस्था बना रखी थी, तो ये एक गैर जिम्मेदाराना आयोजन हुआ, इसमें कोई दो बात नहीं हो सकती। लेकिन बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियोरीज आ रही हैं कि केंद्र सरकार ने शायद इसको जानबूझ के किया हो और इस मुद्दे को पनपने दिया ताकि जो ये हिंदू बनाम मुस्लिम वाला जो पूरा इशू है इसे और फ्लेयर अप किया जाए। इस तरीके की बहुत सारी जो एक नैरेटिव है वो नजर आया सोशल मीडिया पे, और भी बहुत सारे लोग इसको लेकर बातचीत करते हुए नजर आए। कितनी क्रेडिबिलिटी आपको लगती है इस थ्योरी में? जानबूझ के कोई ऐसा करेगा, इतना दूर सोच सकता है, ये मुझे तो नहीं लगता, ये तो बहुत ही क्रूर सोच हो जाएगी। गलती ये जब केंद्र सरकार की व्यवस्था या जो पुलिस व्यवस्था थी उनसे निश्चित रूप से गलती हुई, उन्हें आयोजन होने कैसे दिया जब 200 लोगों की लिमिटेशन था और हजारों की संख्या में थी और पुलिस थाने के बगल में हम लोगों ने सुना कि वो जमात की गतिविधियां चल रही थी, तो देश की राजधानी में पुलिस इतनी अलर्ट नहीं है, ये बहुत असुरक्षा की भावना देता है। पॉलिटिक्स के अलावा
मैं कुछ भी कहूंगा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कलर दिखेगा, लेकिन ये समय पॉलिटिक्स का नहीं है। एक तंत्र ने गलती की, पुलिस वालों ने की रोका नहीं, दूसरे समाज ने गलती की उसका आयोजन किया, इसमें कोई कलर दूसरा नहीं होना चाहिए, सही और गलत का रंग होना चाहिए, ये इन्होंने गलत किया, ये इन्होंने गलत किया। विश्वदेव आपने ठीक कहा कि ये शायद समय पॉलिटिक्स या राजनीति का नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक शब्द जो मौजूदा सरकार ने कॉइन किया था वो था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, और अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करें खासकर इस कोरोना की पूरी लड़ाई से अगर देखते हुए, तो कितना कंसल्टेटिव ये प्रोसीजर पूरा रहा है? क्या वाकई में केंद्र सरकारों ने जिस लेवल पर कंसल्टेशन होना चाहिए था, क्या राज्य सरकारों से उस लेवल तक कंसल्टेशन किया? शुरू में तो नहीं के बराबर था, okay. बाद में स्थितियां बनी, जैसे लॉकडाउन ही हुआ तो लॉकडाउन का कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, okay. ये जो लोग बाहर के रह गए वो यहाँ के रह गए वहाँ के रह गए, शायद हम लोग से कंसल्टेशन करते तो हम लोग जरूर बोलते कि दो दिन और रुक जाइए, जो हो गया है अभी तक हो गया है, दो दिन में कुछ नहीं होगा। जैसे आज कह रहे हैं कि इतनी देर हो गई, अगर और लॉकडाउन बढ़ेगा तो 14 दिन में इकोनॉमिक एक्टिविटी को इतना बड़ा धक्का भी नहीं लगेगा, तकलीफ जरूर होगी। तो वैसे ही अगर 4 दिन समय देके, और जो बच्चे आज पूछिए तो हम लोग के सबसे ज्यादा आता है कोटा में पढ़ने में रह गए, कुछ मजदूर बाहर रह गए, कुछ वहां रह गए, तो उनको अगर समय दे देते अपने घरों में आ जाने का, वो निगरानी में अपने आप रहते, बाहर से आ रहे हैं निगरानी में अपने आप आ जाते, तो कम से कम मुझे लगता है कि वो तकलीफ कम होती। कंसल्टेशन से एक और रास्ता जरूर बन सकता था। तो ये सडन एकदम से जो निर्णय हुआ उसमें जो जहां था वो वहीं रह गया। मैं आपके कुछ इंटरव्यूज पढ़ रही थी मिस्टर देव, उसमें आपने कहा कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ट्राइबल स्टेट माना जाता है छत्तीसगढ़ में, तो लॉकडाउन से जो ये फैमिलीज हैं वो कैसे अपने आप को व्यस्त रखती हैं, और आपके कुछ इंटरव्यूज में ये बात निकल कर आई कि विद इन द फैमिलीज आपने लोगों को बताया कि कैसे सैनिटाइजर बनाया जाए, कैसे मास्क बनाया जाए, तो ये किन तरीकों की जो ये एक्टिविटीज थी, आपने इनको कैसे प्रमोट किया, कैसे इनकलकेट किया विद इन द फैमिलीज? क्योंकि एक जो परसेप्शन है, एक जो छवि बनती है कि गाँव के जो लोग हैं उनको ये बातें समझाना बहुत मुश्किल होता है, और खासकर ट्राइबल इलाकों में, तो ये जो सक्सेस है ये आपको कैसे मिली? इसमें हम लोगों ने जो सिचुएशन बन रही थी उसके साथ अपने इस प्रयास को जोड़ा। एक दिक्कत क्या आ रही थी, खाने की, तो खाने के लंगर चालू हो गए, हर जगह चालू होते हैं, हम लोगों ने भी प्रयास किया, वो आगे बढ़ा। दूसरा क्या बात आने लगी कि मास्क, सबको मास्क चाहिए, मास्क चाहिए, मास्क नहीं है, उतने मास्क मिलेंगे भी नहीं और कभी भी नहीं होंगे, तो विकल्प क्या था कि कपड़े के मास्क बनाइए। हॉस्पिटल में हम लोग हमेशा देखते थे कि कपड़े के मास्क नर्सेज डॉक्टर्स भी पहनते थे। अभी मैं बॉम्बे में था तो ब्रीच कैंडी में वहां भी लोग कपड़े का मास्क पहन के काम चला रहे थे। अगर हम कपड़े का मास्क बनाने लगते हैं तो आपको एक्टिविटी भी मिलेगी, आप बेचेंगे तो कुछ पैसे भी मिलेंगे और आपके घर में भी काम आएंगे। सैनिटाइजर के साथ हुई, ये शॉर्ट सप्लाई में था, काला बाजारी हो रही थी और सैनिटाइजर की मांग, सैनिटाइजर सैनिटाइजर, तो आप बनाइए तो एक एक्टिविटी भी मिलेगी, साथ में साबुन। ये सबसे कारगर इस जंग में मुझे लगता है कि अगर कोई वस्तु है तो वो साबुन है। मैं कभी बार बार बोलता हूँ कि मैं भी हाथ धोता था तो शायद अगर घड़ी से गिनिए तो 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड बहुत होता होगा कि मैं साबुन यूज करता था और हाथ धो लेता था पानी से। तो आज अगर साबुन इतना कारगर है कोरोना के परत को गलाने में, जो उसका फैट है उसको गला के कोरोना के वायरस को मारने में, तो इस साबुन को हम बोलते साबुन इस्तेमाल करिए, साबुन इस्तेमाल करिए। उसके साथ हमने कहा साबुन बनाइए, सेल्फ हेल्प ग्रुप से आप साबुन बनाइए, आपके भी उपयोग में आएगा, उसको बेच भी सकते हैं। तो मिस्टर देव, क्या मैं ये मेरा ठीक होगा इस बात को समझना कि जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिसरप्शन की बात हम कर रहे हैं कि गांव के लेवल पे बिल्कुल मजदूर खाली बैठे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, तो एटलीस्ट छत्तीसगढ़ हैज प्रूव टू बी अ क्लटर ब्रेकर, एक तरीके से अपने आप को अलग से प्रूव कर रहा है कि गांव के जो लोग हैं आज वो खाली नहीं बैठे हैं, कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी आज वहां पर चल रही है बाकी राज्यों के कंपैरिजन में। कोशिश यही थी, मैं पंचायत विभाग से भी अभी जुड़ा हूँ, पंचायत विभाग भी मेरे पास है, तो मेरे पास एक कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन, एक विवादास्पद डिसीजन लेने का भी मौका आया कि रोजगार गारंटी को रोकने का आदेश निकाल दिया जाए या उसको ओपन रखा जाए। तो हम लोगों ने शुरू से उसको ओपन रखा, नहीं तो ये संक्रमण और लॉकडाउन उसमें ये हो सकता था कि आपने कैसे अलाउ कर दिया, पर उसको हम लोगों ने ओपन रखा, उस पर जोर नहीं दिया,
ऑप्शनल रखा है कि जो आना चाहे आ सकते हैं, जो नहीं आना चाहे कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप आइए, दूरी बना के भी काम कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने ऑप्शनल रखा। एक जिले का मैं उदाहरण बताता हूँ, आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की, स्व सहायता समूह की, बलरामपुर जिला है छत्तीसगढ़ का, वहाँ करीब 80,000 बहने स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई है। उन्होंने एक एक्टिविटी क्या दी कि हर महिला ने अपने घर की बाड़ी में एक नापेट पिट खोदा, तो नापेट के खोदने में उनको कुछ रोजगार मिला, और फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए उस पिट में उनने एक्टिविटी चालू की। साल में अगर आप 4 बार उसको रोटेशन करते हैं तो 200 क्विंटल किलो, एक बार 2 क्विंटल एक बार उसमें से आपको जो खाद मिल सकती है वो 8 रुपए किलो में आप बेचिएगा तो 1600 रुपए की थी। 3 बार बेचा तो 4800। विश्वदेव, इतना अच्छा काम जब ये राज्य सरकार कर रही है तो मेरा तो एक सवाल और एक बहुत ही ऑटोमेटिकली ये मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि भूपेश बघेल की जो गवर्नमेंट है उसने पब्लिसिटी पर काफी पैसे खर्च किए हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे एफर्ट्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजर बनाने की, सैनिटाइजर बनाने की, और जिस तरीके से आपने इस पूरे कोरोना के युद्ध को टैकल किया है, इसमें आपकी सरकार पीछे कैसे रह गई पब्लिसिटी में? क्योंकि अगर आप केरला का मॉडल देखें तो पिनाराई विजयन हैज टेकन अवे ऑल द पॉपुलैरिटी, उसी तरीके से भीलवाड़ा मॉडल को जिस तरीके से पॉपुलैरिटी मिल रही है उसमें अशोक गहलोत हैज वॉक्ड अवे विद द पॉपुलैरिटी, लेकिन क्या हो गया ऐसा कि उतनी पब्लिसिटी पर आप जोर नहीं दे पाए? हमने जोर शायद हाथ धोने में ज्यादा दिया, सोशल डिस्टेंसिंग में ज्यादा दिया। हम लोगों ने जोर लॉकडाउन इत्यादि जो हम कर रहे थे, तो स्कूल पहले बंद किए, फिर बार बंद किए, फिर सिनेमा घर बंद किए, होटल रेस्टोरेंट मॉल बंद किए, और एहतियात के लिए लोगों को धीरे धीरे तैयार किया। ज्यादा ध्यान उधर किया कि लोगों को, लेकिन इन राज्यों ने भी तो ये सारी चीजें की मिस्टर देव, बाकी जो केरला राजस्थान, इन राज्यों ने भी ये सारे काम किए जो आप मुझे गिना रहे हैं। जी, अब मैं कह नहीं सकता, डीपीआर है, उन लोग ये देखते रहते हैं, हमारा पब्लिसिटी विभाग देखता रहता है, घर का भी है, हम लोगों ने उसको भी एनकरेज किया कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के घर है उसमें 90 दिन का रोजगार एक घर के पीछे मनरेगा से मिलता है और आपका अपना घर भी बन जाता है, तो जहां उसके फंड्स अवेलेबल है आप उस एक्टिविटी को भी चलाइए, क्योंकि कोई भीड़ नहीं आएगी, कोई संक्रमण नहीं होगा, घर के ही लोगों को रोजगार से, तो ये छोटी छोटी पहल हम लोगों ने साथ की। बिल्कुल, चलिए, लेकिन मैं आपकी बात पर इस समय बिल्कुल कन्विंस हूँ। आपने कहा कि ये राजनीति का समय नहीं है और जैसा आप कह रहे हैं कि आपने फोकस ज्यादा हाथ धोने पर और बाकी जो व्यवस्थाएं हैं उनको जुटाने में लगाया, तो मेरी आपके लिए यही कामना है, यू स्टे सेफ स्टे हेल्दी, और बहुत बहुत शुक्रिया स्वराज एक्सप्रेस को ज्वाइन करने का। थैंक यू सो मच। तो मेरी तरफ से इतना ही, नमस्कार। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने भी इस देश